हेलो दोस्तों, तारीख थी 3 अक्टूबर 2021, जब मुंबई से गोवा जा रही कोर्डेलिया क्रूज पे रेड किया गया। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को यह इनपुट मिला कि कुछ लोग इस शिप पर ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। एनसीबी ने जब रेड किया तो वहां उन्हें 10 लोग मिले, जिनमें बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी थे। अब क्योंकि शाहरुख खान का नाम इतना पॉपुलर है तो मीडिया और देशभक्त यूट्यूबर बिना कुछ सोचे समझे और इंक्वायरी पूरी होने का वेट किए बिना शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नशेड़ी और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को हीरो बोलना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मिनिस्टर नवाब मलिक ने आर्यन खान को अरेस्ट करने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर यह इल्ज़ाम लगाया कि समीर वानखेड़े ने इंटेंशनली आर्यन खान को फंसाया है, और फंसाने की जो उन्होंने वजह बताई वो बहुत ही शॉकिंग थी। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या है नवाब मलिक, समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के बीच की कंट्रोवर्सी। 3 अक्टूबर 2021 को आर्यन खान अपने फ्रेंड्स के साथ कोर्डेलिया क्रूज पर जाते हैं पार्टी करने। ये शिप जब मुंबई के शोर से कुछ ही दूर पर होती है तभी एनसीबी की टीम इस शिप पर रेड करती है और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ 10 लोगों को अरेस्ट कर लेती है। आर्यन खान के अरेस्ट होते ही उनकी एक फ़ोटो बहुत ही तेज़ी से वायरल होती है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि आर्यन खान के साथ एक बॉल्ड मैन है। 6 अक्टूबर 2021 को नवाब मलिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि आर्यन खान को अरेस्ट करने वाला ऑफिसर असल में वो एनसीबी का ऑफिसर है ही नहीं, वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जो समीर वानखेड़े का करीबी है और वो समीर वानखेड़े के कहने पर लोगों से पैसे वसूलता है। आर्यन खान के केस में भी उन्होंने यही कहा कि आर्यन खान को अरेस्ट करके समीर वानखेड़े शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की उगाही करना चाहते थे। जब पूरा देश समीर वानखेड़े को एक ईमानदार ऑफिसर मान रहा था तब नवाब मलिक समीर वानखेड़े के फर्जी सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े के पिता ने एक मुस्लिम लेडी से शादी की थी और वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, इसलिए उनका एससी स्टेटस हट गया है। लेकिन समीर वानखेड़े ने जो आईआरएस की जॉब ली थी वो एससी कैटेगरी से ही ली थी। इसके बाद तो नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक सीरीज ही शुरू कर दी जिसमें वो हर रोज एक नया खुलासा करते थे, लेकिन लोग उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे क्योंकि लोगों को ये लगता था कि समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के सन इन लॉ को अरेस्ट कर लिया था, तो उसके रिएक्शन में नवाब मलिक हर रोज़ एक नया इल्ज़ाम समीर वानखेड़े पे लगाते हैं। दोस्तों, नवाब मलिक की बातों में कुछ तो सच्चाई थी क्योंकि जब भी वो समीर वानखेड़े पर इल्ज़ाम लगाते थे वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते थे और डॉक्यूमेंट्स प्रूफ भी दिखाते थे। केस इतना हाई प्रोफाइल था और इतने सारे सवाल जब खुद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के काम करने के तरीके पर ही उठने लगे तो खुद एनसीबी ने अपने ही ऑफिसर समीर वानखेड़े के खिलाफ एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। इस इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी ने यह पाया कि समीर वानखेड़े ने जिस शिप पर रेड किया था वहां पर आर्यन खान और उनके फ्रेंड से अलावा 27 लोग और थे जिनके पास ड्रग्स थे। उन्हें समीर वानखेड़े ने छोड़ दिया था और सिर्फ 10 लोगों को ही डिटेन किया गया, जिसमें भी आर्यन खान का नाम सबसे आखिरी में ऐड किया गया। इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी को बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज खराब मिले जिन्हें इंटेंशनली खराब किया गया था। अर्ली इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी को एक क्लियर एविडेंस मिले समीर वानखेड़े के खिलाफ, जिसमें ये समझा जा सकता था कि समीर वानखेड़े ने केपी गोस्वामी जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव था उसके थ्रू शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगे और ये डील 18 करोड़ रुपए में हुई जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को मिलने थे। 11 मई को सीबीआई ने एनसीबी के उस वक्त के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, विश्व विजय सिंह, आशीष रंजन, सांजवी डिसूजा और केपी गोस्वामी के खिलाफ केस फाइल किया, जिसके बाद सीबीआई ने समीर वानखेड़े के 29 ठिकानों पर रेड किया। देख रहे हैं दोस्तों, मतलब जो कल तक रेड कर रहा था आज उसके घर रेड हो रही है। ऑब्वियस है दोस्तों, एज अ फादर शाहरुख खान ने भी बहुत कोशिश की होगी कि उनका बेटा एनसीबी से छूट जाए और उन्होंने ये भी कोशिश की होगी कि उनकी बात एक बार समीर वानखेड़े से हो जाए। ऐसे ही कुछ व्हाट्सएप चैट्स आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं जिसमें शाहरुख खान रिक्वेस्ट कर रहे हैं समीर वानखेड़े से मिलने के लिए और ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके बेटे का नाम ड्रग्स केस में ना आए।
अब सवाल ये है कि समीर वानखेड़े पिछले दो साल से ये कहते रहे कि उनकी बात ही नहीं हुई है शाहरुख खान से, फिर जब सीबीआई ने उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया तब उन्होंने इस चैट की कॉपी को कोर्ट में जमा कराया अपने आप को एक ईमानदार ऑफिसर साबित करने के लिए, जहां से ये चैट लीक हुई। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब से 8 जून तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत सारी शर्तों के साथ समीर वानखेड़े के अरेस्ट पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि समीर वानखेड़े को जब भी सीबीआई बुलाएगी उन्हें सीबीआई के पास जाना होगा। समीर वानखेड़े मीडिया में किसी भी तरीके का कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे और अगर समीर वानखेड़े के पास शाहरुख खान की चैट है तो उसे वो पब्लिक नहीं करेंगे।